और सभी समाज एकजुट होकर के बैसलात का कैंडिडेट चाहते हैं। उसका कारण विशेष यही है कि हमारी इतनी वोट होते हुए हम भाजपा के पक्ष में वोट दे रहे हैं। 19 का चाहे चुनाव हो लोकसभा का, चाहे 14 का चुनाव हो, और तभी अभी जो चुनाव हुआ है 2024 का, उस चुनाव के आप आंकड़े बूथवाइज निकालिए तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर भाजपा को लोकसभा के 2024 के चुनाव में मिला है तो बैसलात क्षेत्र से मिला है, और वो लगभग 80% तक गया है। तो ये उनका मन ये है कि हम भाजपा के साथ खड़े हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो क्या हम वोट ही देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। अभी कल ही शिव भक्तों ने कांवड़ ला करके और भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। सावन के अंदर एक चीज और होती है दोस्तों कि सावन हरियाणा का ब्रज का एक बहुत बड़ा पर्व है, और सावन एक बहुत बड़ा महीना है, और सावन के अंदर तीज जैसे पर्व आते हैं, रक्षाबंधन आता है। इसके साथ साथ जहाँ सावन भगवान शिव की भक्ति का महीना है, वहीं सावन का महीना राधा कृष्ण यानी कि जो प्रेम का प्रतीक है। इसके साथ साथ सावन की एक चीज़ और है कि सावन के महीने में मनावन रुठावन का दौर खासकर चलता है। सावन के महीने में जब तीज आती है तो तीज पर बड़े परिवार के बुजुर्गों को, छोटों को, सबको मनाया जाता है, सबको साथ जोड़ा जाता है, और कुछ ऐसा ही राजनीति में होता है। क्योंकि जहां एक तरफ सावन की फुहार, सावन की मल्हार है, तो दूसरी तरफ खासकर हरियाणा में राजनीति की भी बयार है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। अगले 2-2.5 महीने के अंदर हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो जाना है, और चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। चुनाव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है, भले ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहें कि वो जाति क्षेत्र की बात नहीं करती, लेकिन राजनीति के अंदर सब कुछ जो चलता है वो पाल, खाप, क्षेत्र, फिर गोत्र, उसके बाद में जाति, और फिर ये देखा जाता है कि कौन से एरिया में कौन सा मतदाता है, कौन नेता ठीक होगा। मैं पलवल विधानसभा क्षेत्र की बात आपसे करने जा रहा हूँ, और अगर पलवल विधानसभा क्षेत्र की बात करें, और पलवल विधानसभा में अगर आप बैसलात को ना जोड़ें, बैसलात यानी कि गुजर समाज का वो एरिया जहाँ पर कि खासकर बैसला गोत्र के गाँव हैं, अगर ज़्यादा करेंगे तकसीम में तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन आप इतना ज़रूर मान लें कि जो बैसलात है वो पलवल की राजनीति को बड़ी हद तक प्रभावित करती है। लगभग 20-22 गांवों वाला बैसलात, जिसके अंदर लगभग 45-50 हज़ार वोट हैं, और वो पलवल की राजनीति को अपने हिसाब से काफ़ी हद तक चलाता है। उसी बैसलात के एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम कर चुके हैं, सतवीर पटेल मेरे साथ मौजूद हैं, और आपसे उनकी मैं बात कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा। पटेल साहब, आपका स्वागत है देश रोजाना। जी नमस्कार। अभी आपको बता दूं कि सतबीर पटेल के लिए हाल ही में बड़ौली बैसलात के अंदर एक बड़ी पंचायत हुई थी, और उस पंचायत ने सतबीर पटेल को समर्थन दिया था। तो पटेल साहब, उस समर्थन के बाद में आपका उत्साह तो जोश तो हाई होगा आजकल। ये जो पंचायत गांव में बड़ौली में हुई, क्योंकि मैं मूलतः गांव बड़ौली का रहने वाला हूं। जी, बड़ौली यानी कि बैसलात की राजधानी, ठीक कहा ना मैंने? बैसलात की राजधानी, और स्वयं बड़ौली गांव ही अपने आप में 10,000 वोटों के लगभग का गांव है। जी, तो उसमें जो पंचायत हुई, उस पंचायत में सबसे विशेष जो मैं जिससे उत्साहित हुआ रहा कि हमारे गाँव में जितने भी समाज बसते हैं, चाहे प्रजापत समाज हो, जो भी समाज थे, सारे समाजों ने एक मत होकर के मुझे समर्थन दिया और ये कहा कि आप आगे बढ़ो, हम तन मन और धन से आपके साथ हैं। धन की बात जो आई, ये मुझे और ज़्यादा उत्साहित कर गई कि सभी समाजों ने एक एक करके कहा, किसी ने कहा हम 1,00,000 अपनी समाज की तरफ से देंगे, दूसरों ने कहा कि हमारी रिश्तेदारियाँ पूरे विधानसभा में हैं, हम स्वयं अगर बड़ौली का कैंडिडेट आता है तो हम स्वयं अपने समाज में जा करके, रिश्तेदारियों में जा करके स्वयं वोट मांगे। राजनीति के अंदर तन मन और धन जो उन्होंने कहा, अभी मैं आपको एक वाक्य बताता चलूं। चौधरी देवीलाल ने 1987 में हरियाणा में संघर्ष यात्रा किया था, संघर्ष उनका न्याय युद्ध था एक वो, और उसके अंदर चौधरी देवीलाल ने एक नारा दिया था कि एक वोट और एक नोट, यानी कि मतदाता जो है वोट भी दे और नोट भी दे। नोट भी दे, जब आर्थिक रूप से मदद करते हैं तो फिर जुड़ाव बन जाता है उससे। सबसे बड़ी बात जो आपने अभी कही, जी, समर्थन पूरी बस्ती माता ने दिया जी, और काफी अच्छी संख्या में, जैसे मैंने बस्ती माता को बुलाया उससे ज्यादा संख्या में आए,
उसमें प्रेजेंट सरपंच, भूतपूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, चेयरमैन और सभी पंचायत मेंबर सभी शामिल हुए, सभी प्रबुद्ध जन थे, सभी प्रबुद्ध जन, सभी जो मौजूद साहिबान थे। और उन्होंने जब बात ये पैसे वाली जो कही, कई लोगों ने कहा, कई नो व्यक्तिगत कहा, कई नो समाजों ने कहा कि एक एक लाख रुपए हम देंगे, तो उससे मुझे लगा कि मेरा इलाका बैसलात क्षेत्र वास्तव में मुझे चाहता है कि मैं आगे बढ़ के अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं। आपको मैं बताता चलूं कि बैसलात का जो एरिया है पलवल विधानसभा में, कभी आपसे बड़ी चर्चा करूंगा तो उसमें बताऊंगा जरूर, बैसलात का जो एरिया है पलवल विधानसभा में 2009 के चुनाव में पहली बार आया, 2007 का परिसीमन हुआ और उस परिसीमन के अंदर जब विधानसभा क्षेत्रों का स्वरूप बदला तो पलवल के अंदर बैसलात आया जो पहले होडल हसनपुर क्षेत्र में हुआ करता था। जी, बैसलात के पलवल में आने के बाद में यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य चेंज हो गया, लेकिन बड़ी बात ये रही जो मैं आपको बता रहा था कि बैसलात का असर दो इन तीन चुनाव में, यानी कि 2009, 2014 और 2019, इन तीनों चुनावों में किसी प्रमुख पार्टी ने किसी बैसलात के नेता को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाया। और जहां तक मुझे लगता है, मेरी बहुत लोगों से बात हो रही थी पटेल साहब, तो बैसलात के अंदर अब की बार ये हवा है कि हमें हमारी जो भागीदारी है तो उतनी हमारी दावेदारी भी होनी चाहिए, उतना हमें हक भी मिलना चाहिए, क्या ऐसा है कुछ? जो आप कह रहे हैं, हमारे लोग इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं कि हमारी लगभग 48-50 हजार वोट हैं, और उस क्षेत्र की अगर हम मिलाएं सभी समाजों को मिला करके तो लगभग 70-75 हजार वोट हमारे बैसलात क्षेत्र की बनती है, और सभी समाज एकजुट होकर के बैसलात का कैंडिडेट चाहते हैं। उसका कारण विशेष यही है कि हमारी इतनी वोट होते हुए हम भाजपा के पक्ष में वोट दे रहे हैं। आप आंकड़ा निकालेंगे तो आप पाएंगे कि अभी 19 का चाहे चुनाव हो लोकसभा का, चाहे 14 का चुनाव हो, और तभी अभी जो चुनाव हुआ है 2024 का, उस चुनाव के आप आंकड़े बूथवाइज निकालिए तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर भाजपा को लोकसभा के 2024 के चुनाव में मिला है तो बैसलात क्षेत्र से मिला है, और वो लगभग 80% तक गया है। तो ये उनका मन ये है कि हम भाजपा के साथ खड़े हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो क्या हम वोट ही देते रहेंगे? हमें प्रतिनिधित्व भाजपा क्यों नहीं दे रही है? इस बात को लेकर के हमारे लोगों में आक्रोश भी है और एक विशेष मन है कि अब की बार हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की और आप भाजपा से जुड़े हुए हैं। जी, भाजपा से आपके विधायक हैं आजकल। जी, दीपक मंगला को 2014 में भी टिकट मिला, थोड़े वोटों से हार गए, 2019 में मिला, आप लोगों ने बहुत बड़े अंतर से जिता दिया उनको। जी, तो दीपक मंगला से क्या बैसलात के लोग खुश नहीं है, कोई नाराजगी है वहां, कुछ ऐसा है क्या जो आप कह रहे हैं कि दावेदारी वाली बात चल रही? जो देखिए, ये एक अलग इशू हो जाता है विधायक से नाराज होना या नहीं होना। हमारे लोग चाहते हैं कि हमें 2019 में लोकसभा विधानसभा दोनों में ही एक मत होकर के भाजपा को वोट दिया, तो वही कहानी कि क्या भाजपा को हम वोट ही देते रहेंगे? भाजपा हमारा भावनाओं को क्यों नहीं समझती है? क्या हम वोट बैंक बन के रह जाएंगे? इस बात को लेकर के लोग अपना प्रतिनिधि चाहते हैं। मतलब सबसे प्रमुख बात यह है कि बैसलात चाहती है कि अब की बार उनका जो हक है वो उनको मिले, बस मान करके चले। विशेष बात यही है कि वो अपना हक चाहती है, और अपना हक तभी मिलेगा जब उनका प्रतिनिधि होगा। चलिए पटेल साहब, कुछ भाजपा की बातें कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहते हैं। जी, भाजपा के विधायक हैं आजकल। जी, पहला तो ये बताएं कि आप विधायक के काम को अगर मैं नंबर्स देने पे आऊं विधानसभा क्षेत्र में, विधायक के काम से आप कितने लोग सेटिस्फाई हैं? क्योंकि आप ही की सरकार है लंबे समय से, 10 साल से आपकी सरकार चल रही है, दीपक मंगला ही प्रभावशाली हैं 2009 से 2014 से लेकर और अब 2024 तक, तो उनके काम से कितने संतुष्ट हैं और फिर क्यों चाहते हैं कि आपको मिले? पहला सवाल यही है कि उनसे काम से संतुष्ट कितने हैं आप? इस विषय में तो मैं पार्टी का कार्य करता हूं और मेरे पार्टी के विधायक हैं, तो मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता कहें या पार्टी का नेता होने के नाते मैं कहूं तो मुझे कहना कुछ शोभा नहीं देता। ये पूरा समाज, पूरा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र जानता है, और आप प्रेस के व्यक्ति हैं, आप सब लोगों से मिलते रहते हैं, तो इसका जवाब तो अच्छी तरह से यहाँ की जनता ही दे सकती है, आप उनके व्यूज लें। लेकिन जहाँ तक मैं बात कह रहा हूँ, वही बात कि हमारे जो वोट प्रतिशत है भाजपा के पक्ष में जो सबसे ज़्यादा है, हमारी वोटों की संख्या इस बैसलात क्षेत्र की सबसे ज़्यादा है, तो हमारा क्षेत्र इसलिए चाहता है कि हमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? आखिरकार क्यों, ऐसा क्या है कि जो हम वोट दे रहे हैं
कामयाब कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि को, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो क्यों नहीं हमें मौका दिया जाए जी, इस बात को लेकर के लोगों में रोष है। चलिए बात आ जाती है पटेल साहब, एक बात और जुड़ेगी यहाँ पर। अभी आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला बहुत चलता है कि जो विधायक हैं पार्टी सोचती है कि उनको वरीयता दी जाए। अब आप क्या समझते हैं इस सब के बावजूद कि आपका दावा वहाँ कितना सफल होगा? देखिए हमने 2019 में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनका स्वागत किया था, बहुत अच्छी संख्या थी और भाजपा के पक्ष में वोट भी किया था। तो हमें ये आश्वासन दिया गया था कि यानी हम बैसलात की भावनाओं को समझते हैं और अवश्य ही आपको जो है आगे मौका मिलेगा। ठीक है, अब ये भाजपा ने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने देखना है कि क्या वो हमारी भावनाओं की कदर कर पाते हैं। जी अगला सवाल साथ जोड़ देता हूँ। अभी आप कह रहे हैं कि बैसलात के मन में अब की बार ये उमा बहुत जोर से घर कर रही है कि अगर हमारा इतना बड़ा हक है, हमारा इतना बड़ा दायरा है, 45,000 वोट हैं, तो हमें राइट क्यों नहीं? अगर भारतीय जनता पार्टी कंसीडर नहीं करती है तो उसके बारे में भी क्या आपका, मैं सतबीर पटेल का नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ मैं बैसलात का पूछ रहा हूँ। देखो मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपसे सीधी बात कह रहा हूँ, पार्टी के साथ देखिए 2014 में 2019 में हमारे काम को देखे, लोकसभा हो चाहे विधानसभा, हमने ईमानदारी से पार्टी के लिए दोनों चुनावों में काम किया है। तो मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन हमारी बैसलात अब की बार, जैसे मैंने उस पंचायत का रुख बता रहा हूँ आपको और एक चैनल पर उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी जो अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने अंत में स्टेटमेंट भी दी थी, अगर पार्टी हमारी सतबीर पटेल को जो हम पक्ष में समर्थन में हम खड़े हुई है पूरी पंचायत, अगर उसका भावनाओं की किदर नहीं हुई तो हम अलग से भी पंचायत करके दूसरा कोई फैसला ले सकते हैं। सतबीर पटेल भाजपा कार्यकर्ता तो हैं, बैसलात का हिस्सा भी तो हैं। बैसलात के तो सिर माथे हैं क्योंकि मैं, मेरी वहाँ जन्मभूमि है और मैं वहाँ का हूँ, तो जो बैसलात है तो उसको से मैं बाहर कैसे हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ तक बैसलात की बात है, खासकर ये अभी तक चल रही थी बैसलात की बात, अब बात सतबीर पटेल की कर लूँ आपसे एक मिनट के लिए। तो सतबीर पटेल पलवल के अंदर लंबे समय से एक निजी स्कूल है सेंट सीआर के नाम से, वो स्कूल चलाते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जो संबद्ध प्राइवेट स्कूल है उसकी एसोसिएशन के लंबे समय से अध्यक्ष चले जा रहे हैं, लगभग 15-20 साल से जहाँ तक मुझे लगता है, 2006 से तो अब 18 साल से उसके अध्यक्ष चले जा रहे हैं जी। 18 साल में एक शिशु जो जन्म लेता है वो वोट का अधिकारी बन जाता है, यानी कि आप उस संस्था में काम करते हुए यौवन अवस्था में आ चुके हैं पूरी तरह से। वो मेरे भाइयों का प्रेम है, प्यार है और वो बार बार हमारी हर 3 साल बाद एक मीटिंग भी होती है और बड़ी मीटिंग भी पिछली बार हमारे 150 से 200 स्कूल संचालकों ने भाग लिया। तो मैंने कहा कि भाई मैं पार्टी के साथ काम कर रहा हूं तो आप जो है दूसरे विकल्प पर सोचें, लेकिन मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि जब उन्होंने इतना कहने के बावजूद भी मुझ पर विश्वास जताया, तो मैं अपने साथियों का तो बार बार इस विषय को लेकर के धन्यवाद करता ही रहा हूँ। और मैं पार्टी चाहे सरकार हमारी भाजपा की है, वहाँ भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे हमारे शिक्षा मंत्री जी रहे हों, उन सब के साथ समय समय पर अपने स्कूलों की समस्याओं को उठाता रहा हूँ, उनके समाधान कराता रहा हूँ जी। अंतिम सवाल पे आते हैं पटेल साहब जी, क्या बैसलात तो आपसे कह रही है आपके फेवर में समर्थन भी दिया जी, जो आपके एसोसिएशन है एक बहुत बड़ा अंग होता है ये भी, शिक्षा समाज का बहुत बड़ा अंग है जी, शिक्षा स्वास्थ्य मेन यही चीज़ दो आ जाती है और उसके बाद इंफ्रा आ जाता है बाद में जी। शिक्षा वाला जो तबका आप उसके जो निजी स्कूल है प्रधान भी चले आ रहे हैं जी, क्या आपकी एसोसिएशन भी आपसे कुछ ऐसा कहती है कि आगे बढ़ने के लिए या किसी चुनाव वाली साइड बढ़ने के लिए, ऐसी कोई बात कभी आई हो कभी कोई? एसोसिएशन की बैठकों में ये बात रहा है कि आप हमारी समस्याओं का समाधान इतने लंबे समय से करा रहे हैं और हमारे लिए इतने दिन से भागदौड़ कर रहे हैं, तो अब की बार आप आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं पूर्ण तन मन और धन से, मेरी एसोसिएशन का मुझे आश्वासन है कि आप आगे बढ़ो हम आपके साथ। क्या लगता है पार्टी कितना मौका देगी? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि पार्टी अवश्य ही मौका देगी। चलिए
तो सतबीर पटेल जिनको उनकी पाल यानी कि बैंसलात पाल कह सकते हैं, जहाँ एक बड़ा समूह होता है गांवों का, मतदाताओं का, वो ग्रुप उनके साथ है, उनकी एसोसिएशन उनसे कहती है और खुद भी उत्साहित हैं। चुनाव का सीजन है और हम भी आपको यही शुभकामनाएं देंगे कि जो आप सोच रहे हैं वो फलीभूत हो और जो आपकी इच्छा है या आपकी इलाके की इच्छा है, जो लोग आपसे चाहते हैं, उसमें आप कामयाब हो। धन्यवाद। तो चुनावी मौसम में ये बात थी हमारी सतबीर पटेल से। हमारा एक कारवां लगातार जारी है, हम नित्य प्रति आपसे 2-3-4 शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं जो चुनाव को लेकर के चुनावी मोड में आ चुके हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप कोई ऐसा शख्स जो हमसे छूट रहा हो तो आप भी बता सकते हैं, उसमें हम आपका भी स्वागत करेंगे। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना।